बहुत स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों जो है यूपी स्कॉलरशिप के स्टेटस में चेक करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होगी आपको, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों आप जब यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक कर रहे होंगे तो स्टेटस इस समय नहीं दिख रहा होगा, वी आर सॉरी करके दिखा रहा होगा। तो इसके बारे में क्या दिक्कतें हैं, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको सरकारी जॉब फाइंड डॉट कॉम वेबसाइट पर आना है, इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या तो आप गूगल में अपने मोबाइल में अपने कंप्यूटर में जहाँ भी हो गूगल में लिखिए SARKARIJOBFIND, इसको जो है सर्च कर दीजिए, सरकारी जॉब फाइंड सर्च कर दीजिए। उसके बाद फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट मिल जाएगी सरकारी जॉब फाइंड डॉट कॉम के नाम से, आप इसे क्लिक करके ओपन कर लीजिए। जैसे वेबसाइट ओपन होती है तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह की वेबसाइट दिखती है। तो यहाँ पे आपको यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2019-20 के ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए मैं क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आपको आना है, इंपॉर्टेंट लिंक्स का सेक्शन मिल जाएगा और उसके नीचे यहाँ पे चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस फॉर ऑल कैंडिडेट के सामने क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है एक नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों या तो इसको डेस्कटॉप व्यू पे कर लीजिए, ये जो है इसको ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पे दोस्तों जॉब की कक्षा वो सेलेक्ट करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरफेस पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे अब मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, मैं वो डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मांग रहा है, तो मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे, सॉरी डेट ऑफ बर्थ ये नहीं है, दूसरी है, ये वाली है। अब यहाँ पे ये वाला कैप्चा कोड फिल करना है, तो 6PQN4 सब कैपिटल में है, 6PQ फिर N4। जैसे इसमें क्लिक करूँगा यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होता है। देखिए जब जैसे मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, देखें क्या आता है, देखिए एरर पेज ASPX बता रहा है, मतलब और क्या वी आर सॉरी लिख के आ रहा है, ऐसा बार बार आ रहा है। ये आप करेंगे तो आपको में भी आएगा, तो ये क्यों आ रहा है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों ये जो है स्टेटस में कुछ यहाँ पे चेंजेस हो रहे होंगे, या हो सकता है वेबसाइट पे कुछ अपडेट आ रहा होगा, तो आप जो है नियमित रूप से देखते रहिए हमारे चैनल को और सरकारी जॉब फाइंड डॉट कॉम को नियमित रूप से स्टेटस चेक करते रहिए और आपका स्टेटस दिखने लगेगा। अभी ये दिक्कतें आ रही है तो थोड़ा सा आप जो है ये दिक्कतें का सामना कर सकता है। तो वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइए, अपडेट देने के लिए बहुत अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी नहीं लगी डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।